हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं कैमरा वॉइस। इतने दिनों के बाद मैंने इस कुर्सी पे अपनी तशरीफ़ रखी है और अब आपके लिए मैं एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। बहुत प्यारा सा ट्यूटोरियल, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो रहा है, बहुत फ्लैशिंग वार्निंग के साथ। तो सबसे पहले ये देख लो, ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसे ही इसी के साथ ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ये चीज़ है इसको कहते हैं, वैसे बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ, इसको कहते हैं MLG मीम। तो यहाँ पे एक MLG फ्रॉक करके जब आप सर्च करोगे तो उसके अंदर ये रेनबो इफेक्ट आता है। तो ये बहुत पुराना ट्रेंड है, लगभग 5-6 साल तो मुझे ही होगा इस ट्रेंड को देखते देखते, लेकिन ये कहीं पर डेड हो गया पता नहीं, अब वो फिर से आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मुझे पहले से ही पता था। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो आखिर हुआ क्या है, कुछ नहीं है, ये एक रेनबो है, ठीक है। ये जो रेनबो है, ये जो बना हुआ है ये इफेक्ट, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा वेबसाइट पे, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, उस पर आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड करके अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने से पहले ध्यान रख लेना, जब ये अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अब अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस क्लिप को देखो, यही क्लिप, और यहाँ पे देखो ओपेसिटी, ओपेसिटी में ब्लेंड को मैंने एक को कर रखा है ओवरले, ऊपर वाले को ओवरले कर रखा है, और नीचे वाले को मैंने कर रखा है डिफरेंस। यहाँ पे देख लो आप क्या इफेक्ट आता है, ये देखो ये चेंज हो गया। अब इसको ओवरले कर दोगे तो और ज़्यादा कलरफुल आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इसका जो स्पीड है वो थोड़ा कम है, जो साउंड है उसके साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे मैंने दबाया है आर, आर से आपकी स्पीड स्लो होगी और स्पीड कम होगी एक वीडियो की। तो यहाँ पे इसकी मैं स्पीड फास्ट कर देता हूँ, या दूसरा तरीका ये है, आर की जगह एक शॉर्टकट है ये, तो राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन, और यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो, मैंने 751 कर रखी है, बस इसको कर दो, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो इसकी स्पीड को वापस स्लो कर देते हैं हल्का फुल्का, तो ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे इसको, यहाँ पे अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है, और इसको हटा के देखते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ओके। और यहाँ पे ये सिंपल एक रेनबो इफेक्ट है, इसके पीछे ये जो हमारी इमेज है ये आ गई है, और क्या हो गया, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ये कैसे हुआ है। एक तो ये इफेक्ट आ गया, आपके जो रेनबो इफेक्ट है वो रेनबो कलर आ गया, और दूसरा आता है यहाँ पर, ये तो एक सिंपल इमेज है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है, अटैक ऑन टाइटन, इसका लास्ट सीजन आ चुका है, वो भी देख रहे हम। अब यहाँ पे इसके नीचे से हटा दो, और ये देखो दो कलर को मैंने मर्ज कर रखा है इसके अंदर, कुछ नहीं करा है बैकग्राउंड में, ये रहा एक CYAN साइन कलर कुछ होता है, सियान कलर कुछ जो भी है, और दूसरा कलर है इसके अंदर रेड, और इसके बीच में मैंने थोड़ी सी नॉइज़ दे रखी है, ये आपको नॉइज़ दिख जाएगी, या ये रही फास्ट कलर छोड़ो, और ये रहा नॉइस, ठीक है। एक और चीज़ समझ लो, इसके अंदर जो ये कलर मैंने बनाया है, ये बनाया कैसे है, जो ये कलर बनाया है उसका सिंपल एक ट्रिक है, फास्ट कलर करेक्टर हमारे इफेक्ट पैनल के अंदर होता है, फास्ट कलर करेक्टर, ये रहा प्रीमियर प्रो के अंदर ये आपका इफेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये मैंने इसको ये रहा एफएक्स को पहले बंद कर देते हैं, मैंने एक प्लेन बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया गूगल से, डाउनलोड भी किया ये, तो आप कहीं पे भी बना सकते हो ऐसा बैकग्राउंड इस कलर में, तो इस कलर को मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैंने फास्ट कलर करेक्टर डाल दिया, और यहाँ पे सिर्फ बैलेंस जो हो रहा है हमारा गेन हो रहा है, बैलेंस गेन को मैंने इफेक्ट डाला है, कभी 0 कभी 100, कभी 0 कभी 100, कभी 0 कभी 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज़ चेंज हो रही है, 0 100 0 100, सिर्फ ये चीज़ हमारी चेंज हो रही है जो कि ये इसको कंट्रोल कर रही है, बस यहाँ पे मैंने यही चीज़ कंट्रोल करा है यहाँ पर,
और यहाँ पे कुछ नहीं, राइट क्लिक करके इन जितने भी की फ्रेम है इनको बनाया और राइट क्लिक करके कॉन्टिन्यूस बिजार कर दिया और कुछ नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जो आपका जो भी आपका इमेज या वीडियो कुछ भी है उसको इसके नीचे लेकर आना है, जो कि ये वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल होने वाला है, अब हो गया होगा इस वीडियो के बाद ही। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ओपेसिटी में जाना है, ये ओपेसिटी किसी काम का नहीं है, इसको भूल जाना, ये डिफरेंस कर देना है बस, जो आपका ब्लेंड मोड है उसको डिफरेंस कर देना और कुछ नहीं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप कैसा ब्लेंड कर सकते हो, जैसे डार्कन कर दिया और कलर बर्न कर दिया और यहाँ पे लाइटन कर दिया, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और जो ये लूप मैं दे रहा हूँ वीडियो का, एक मिनट का लूप है, यूज़ करो, तबाही फैला दो इधर उधर, ठीक है। ये भी लूप मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी लूप मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी लूप मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने बनाया था, ये भी देख लो ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, ये लूप आपको मिल जाएगा, ये भी ले लेना, ओ नाइस, ठीक है, ये भी लूप ले लेना और बस, और कुछ नहीं, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्लेंड करना है, ब्लेंड का ऑप्शन आपको मिल चुका है। वीडियो क्लिप पे जाएं, ओपेसिटी पे चेक करें, ओपेसिटी पे जाके मेनली यहाँ पे डिफरेंस वर्क कर रहा है प्रीमियर प्रो के लिए। तो इस छोटे से ट्यूटोरियल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।